एवरीबडी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का जो वीडियो है, मुझे नहीं पता मैं कितने टाइम बाद शूट कर रही हूँ। लास्ट जो वीडियो मैंने शूट किया था दैट वाज मोमो मेकिंग या मोमो रेसिपी वाला वीडियो, एंड उसके अंदर मैंने बहुत छोटा सा स्निपेट शूट किया था, तो ऐसा शूट वाला फीलिंग मुझे आया नहीं। लेकिन आज का वीडियो थोड़ा व्लॉग स्टाइल वीडियो होने वाला है। फर्दर एज फार एज आज का वीडियो इज कंसर्न, तो आज हम बनाने वाले हैं चिकन टिक्का विच इज इंस्पायर्ड फ्रॉम असलम चिकन इन जामा मस्जिद। नाउ अगर सिचुएशन नॉर्मल होती इस पॉइंट पर तो मैं रमजान के अंदर जाती या तो जामा मस्जिद या फिर जाकिर नगर वीडियो बनाने के लिए और वहाँ का खाना ट्राई करने के लिए। बट सिचुएशन नॉर्मल नहीं है, हम वहाँ नहीं जा सकते, तो मैंने सोचा यार रेसिपी घर पे क्यों ना ट्राई करी जाए। तो इतना भगभग 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 करने के बाद में लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो और देखते हैं कि ये रेसिपी कैसे बनती है। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फाइनली आई एम इनसाइड द किचन और मैंने बालों को ऐसे पोनी टेल के अंदर बांध लिया है। आई डोंट नो कौन से वो लोग होते हैं जो किचन के अंदर बाल खोल के काम करते हैं। लाइक आई हैव सीन सो मेनी वीडियोज जहाँ पे लोगों ने बाल खोले हैं और कैजुअली काम कर रहे हैं। मुझे इस मई के मौसम में बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही है, इसीलिए मैंने सारे बाल बंद कर लिए हैं अच्छे से। और अब हम देखते हैं कौन से मसाले यूज़ होते हैं सबसे पहले चिकन टिक्का बनाने के। अगर मसालों की बात करूँ तो यहाँ पर मेरे पास है नमक, लाल मिर्ची पाउडर, काली मिर्ची पाउडर, चाट मसाला, धनिया पाउडर, चिकन मसाला एंड थोड़ा सा देगी मिर्ची पाउडर। ना जो असलम का बटर तंदूरी चिकन होता है वो वैसे तो तंदूरी चिकन होता है, लेकिन वो उतना ज्यादा डीप रेड टाइप्स नहीं होता कलर के अंदर, इट्स वेरी लाइट इन कलर, हल्का हल्का रेडनेस होती है। इसलिए यहाँ पे जो देगी मिर्ची है ना वो बहुत कम यूज कर रही हूँ। अगर आप लोग थोड़ा ज्यादा चाहते हो तो आप ज्यादा यूज कर सकते हो, और इनकेस अगर आपके पास देगी मिर्ची है ही नहीं तो आप फूड कलर भी यूज कर सकते हो। तो नाउ हम इसको यूज करेंगे टू मैरिनेट आवर चिकन, सो लेट्स स्टार्ट। फर्दर ये मसाले चिकन के अंदर डालने के बाद में हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा दही, जिंजर एंड गार्लिक का पेस्ट एंड लेमन जूस। अब हम सब चीज़ों को हाथों से करेंगे अच्छे से मिक्स एंड मेक श्योर दैट योर हैंड्स आर क्लीन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम बिकॉज इट्स अ कोरोना टाइम, कोरोना। सो मसाला मैरिनेट हो चुका है ना। असलम चिकन की अगर मैं बात करूँ तो वो ना बड़े बड़े पीसेस लेते हैं चिकन के, उसको वो पकाते हैं कोयले के ऊपर यानी कि कोल के ऊपर, और उसके बाद में जब वो अच्छे से पक जाता है तंदूर के ऊपर तो वो उसके छोटे 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 टुकड़े करते हैं ना। एक तो ना तो मेरे पास उतना बड़ा नाइफ है और ना ही उतनी ज़्यादा पेशेंस है कि मैं इतने बड़े बड़े पीसेस लाऊँ और उसके छोटे छोटे टुकड़े करूँ, इसलिए मैंने चिकन टिक्का यूज़ करा है। और दूसरी बात यह है कि हम सबके घर में, मेजॉरिटी ऑफ लोगों के घर में तंदूर नहीं होगा, इसीलिए जब तंदूर नहीं है तो जुगाड़ है। तो जुगाड़ में मैं ये जो है तंदूरी चिकन वो कढ़ाई में बनाने वाली हूँ, और उसके बाद में बताने वाली हूँ कि वो तंदूर वाला टेस्ट उसके अंदर कैसे आएगा। सो लेट्स सी। तो पैन में मैंने ले लिया है थोड़ा सा ऑयल और इसके अंदर हम डाल रहे हैं मैरिनेटेड चिकन। नाउ ए आर रहमान के म्यूजिक के बाद ना दिस म्यूजिक इज माई एब्सोल्यूट फेवरेट। क्या बात है। नाउ इम्पॉर्टेंट थिंग टू नोट ओवर हियर इज कि ये जो चिकन है ये आपको मीडियम फ्लेम पे पकाना है, क्योंकि अगर आप इसको लो फ्लेम पे पकाओगे तो जितना भी मसाला इसके ऊपर आपने लगाया है वो सारा उतर जाएगा। और जब एक साइड चिकन अच्छे से कुक हो जाता है तो एक से दो मिनट के बाद में हम चिकन को हर तरफ से पकाएंगे बिल्कुल ही वैसे जैसे हम लोग क्वारंटीन के टाइम पर पक रहे हैं। एंड नाउ इसको अंदर तक पकाने के बाद में आवर चिकन टिक्का इज रेडी। नाउ अगर आप असलम पे गए हो तो वहाँ पर जो चिकन है वो इस तरह के बोल में सर्व किया जाता है जिसको वहाँ पर तसला कहते हैं, हेंस इस चिकन को जामा मस्जिद में बहुत पॉपुलरली तसला चिकन भी कहते हैं। और इसी तरह का बोल मैंने लिया है और इसमें डाला है अपना पका हुआ चिकन टिक्का, और इसमें डालेंगे इंग्रेडिएंट्स लाइक फेटा हुआ दही एंड क्रीम। नोट दैट जो असलम की ग्रेवी होती है चिकन की वो बेसिकली क्रीम और दही से ही बनाई जाती है, एंड हेंस हम लोग ये इंग्रेडिएंट्स ऐड कर रहे हैं इन आवर चिकन टिक्का। तो जब मैंने असलम चिकन की वीडियो रिकॉर्ड करी थी तब मैंने ये चीज आपको वीडियो के अंदर बताई थी। यहाँ पर डालेंगे चाट मसाला या पीली मिर्च जहाँ तक मैं टेस्ट करके बता सकती हूँ, एंड इसलिए हम अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा चाट मसाला एंड थोड़ा सा येलो चिली पाउडर यानी कि पीली मिर्ची पाउडर। नोट दैट जो पीली मिर्ची पाउडर होता है ना इट इज वेरी स्पाइसी, तो बहुत ज्यादा ध्यान से डालना ये वाला पाउडर अपने चिकन के अंदर। नाउ व्हेन इट कम्स टू असलम चिकन तो जो स्पेशलिटी है ना इस पूरे तंदूरी चिकन की वो है एग्जैक्टली बटर। तो अगर आप असलम पे कभी गए हो ना तो वहां पर ऐसे एक एक किलो के बड़े बड़े स्लैब्स ऑफ बटर पिघलाए जाते हैं एंड देन हमारे चिकन के ऊपर डाले जाते हैं। बट सिंस हमारे घर में उतनी ज्यादा क्वांटिटी में चिकन नहीं बन रहा है तो हम बटर बहुत लिमिटेड डाल रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हो मैं बिल्कुल लो फ्लेम पे बटर को पिघला रही हूँ एंड बटर ऑन द फ्लेम बी लाइक, लेकिन यार यहाँ में पिघल गया। और अब हम ये मेल्टेड बटर डालेंगे अपने चिकन के अंदर। नाउ वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि जो ये असलम चिकन है ये तंदूर के ऊपर पकाया जाता है, एंड हमारे पास तंदूर नहीं है तो हम एक जुगाड़ लगाएंगे जिससे एकदम तंदूरी फ्लेवर आपके चिकन के अंदर आएगा। सो व्हाट वी हैव टू डू इज दैट वी हैव टू स्मोक आवर चिकन। ऑलराइट नाउ वी स्मोक। अरे ये वाला नहीं, ये वाला। सो इसको स्मोक करने के लिए ना सबसे पहले आपको लेना है कोल और उसको आपको गैस पर इस तरह से जलाना है। सो इसको जलाने के चक्कर में दिस हैपेंड।
टिल नाउ रेसिपी तो ठीक जा रही है बट द सिचुएशन इज नॉट दैट ग्रेट क्योंकि आई वॉज जस्ट ट्राइंग टू एडजस्ट द कैमरा एंड मैं थोड़ा सा साइड में झुकी एंड आई एंडेड अप बर्निंग माई हेयर. पता नहीं कैमरे पे दिख भी रहा है या नहीं बट आई जस्ट बर्नड. हाँ आप दिख रहा है. सो आई बर्नड माई हेयर. सो अपने चिकन वाले बोल के अंदर हम एक प्लेस करेंगे छोटा सा बोल और इसके अंदर हम डालेंगे कोल को और इसके ऊपर डालेंगे बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल और जब इसमें से स्मोक निकलने लग जाए तो हम इसको एकदम अच्छे से ढक देंगे. इससे होगा ये कि जितना भी स्मोकी फ्लेवर है कोल का वो हमारे चिकन के अंदर आ जाएगा और इसके अंदर बिल्कुल मार्केट जैसा तंदूरी चिकन वाला टेस्ट आ जाएगा. सो दैट्स इट, आवर असलम स्टाइल तंदूरी चिकन इज कम्प्लीटली रेडी और अब इसको ट्राई करके देखते हैं कि क्या इसका टेस्ट जेन्युइनली वैसा है या नहीं. सो नाउ इज द टाइम टू ट्राई आवर चिकन. अब देखना ये है क्या इसके लिए बाल जलाना वॉज वर्थ इट और नॉट. मेरे सामने चिकन पड़ा है एंड इसके साथ थोड़े से प्याज और चटनी जो मैंने बनाई थी वो भी मैंने ली हुई है. इट्स सो डिफिकल्ट टू डू एवरीथिंग विद वन हैंड बट स्टिल लेट्स ट्राई. दिस टेस्ट वेरी 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 सिमिलर टू द असलम चिकन दैट वी हैड एट जामा मस्जिद. सो इट टेस्ट एब्सोल्यूटली डिलिशियस. मैं इसलिए नहीं कह रही क्योंकि मैंने खुद बनाया है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन जेन्युइनली बहुत 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 अच्छा बना है एंड इट इज़ वेरी सिमिलर टू द असलम चिकन जो कि हम जामा मस्जिद जाके खाते हैं. मैं ज़्यादा तारीफ करना ही नहीं चाहती हूँ टू बी ऑनेस्ट. यही चाहती हूँ कि आप लोग घर में एक बार इसको ट्राई करो क्योंकि द आउटकम इज सो गुड. जैसे बिल्कुल ग्लाइड कर जाती है ना ग्रेवी जो बनाई है बटर की क्रीम की, बिल्कुल वैसे पिघल रही है. मतलब मेरे को बोलते हुए भी ऐसा लग रहा है ऐसे मेरी जबान पे ऐसे ग्रेवी पिघल रही है. इट्स सो गुड और जो चिकन भी है वो एकदम वेल कुक्ड है, बहुत ज़्यादा अच्छा बना है. आप जो पूरे इंग्रेडिएंट्स हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका मेजरमेंट दे दूंगी ताकि आप मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ही बना सको. एंड आई वुड हाईली रेकमेंड यू कि आप ये ज़रूर 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 ट्राई करना बिकॉज यू विल फॉल इन लव विद दिस रेसिपी, आई गारंटी यू दैट. फर्दर मुझे ज़रूर बताना अगर आपकी कोई रेसिपी रिक्वेस्ट है ताकि मैं वो वीडियोस भी अपलोड कर सकूं. और इसके साथ साथ मैं सोच रही हूँ कि यार मैं 24 आवर चैलेंज टाइप करूं. मैंने पहले भी एक बार ये बात बोली थी और मैंने अब तक वो नहीं किया बट फाइनली आई हैव डिसाइडेड टू डू इट. तो अगर आपके पास वो भी आइडियाज़ है तो प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना. दिस इज़ कुलज्योति ढींगरा साइनिंग ऑफ टू कम अप विद मोर फूड एंड ट्रैवल रिलेटेड कॉन्टेंट इन फ्यूचर. बाई.